इकोनॉमिक्स के अंदर अपन एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर के अंदर अपन ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर आपका इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन छूट गया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर की समरी देखने को मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोर शाला। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। अब आपको लगेगा कि यार मैम एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं तो जो टोटल डिमांड होती है ना इकोनॉमी के अंदर और जो टोटल सप्लाई होती है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसी को ही अपन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब टोटल से आपका क्या मतलब है? सो इकोनॉमी के अंदर बहुत से गुड प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, राइट? अब इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी डिमांड कहलाती है। सो इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन पे जब खर्चा किया जाता है इट इज इक्वल टू डिमांड। तो जो ये टोटल खर्चा होता है, जो टोटल डिमांड होती है ना, इसी को अपन एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और जब इस टोटल डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई करता है उसको अपन एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होती है? जब ये दोनों ही वेरिएबल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट? और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब देखो सिचुएशन तो हमने ये भी समझी थी कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो बहुत ही परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो जो चेंजेस होते हैं है ना इकोनॉमी के अंदर, जैसे इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, उससे इनकम जनरेशन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। तो जो चेंजेस होते हैं ना बेसिकली वो डिमांड के अंदर होते हैं। तो जो डिमांड है वो कभी कम भी हो जाती है और कभी ज्यादा भी हो जाती है, राइट? तो जब जो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, और जब यही एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है? अब इसी को ही अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो ना। अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं डेफिसिट डिमांड की। डेफिसिट मतलब क्या होता है? कम, ठीक है? डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। तो जब डिमांड कम होता है, सो डेफिसिट डिमांड इज द स्टेट इन विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। सो जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कहते हैं, राइट? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अब देखो ये चीज जो है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, तो इस चीज पे आपको फोकस हमेशा करना है, ठीक है? चाहे आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हमें ये चीज बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट बिठानी है कि अगर सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे ये जो सप्लाई है ना, इस सप्लाई को देने के लिए प्रोड्यूसर ने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज को यूज कर लिया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है ही नहीं, ओके? इसलिए यहाँ पे लिखा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि सब रिसोर्सेज को यूज करके यहाँ पे प्रोड्यूसर ने सप्लाई दे दी, लेकिन जितनी सप्लाई दी है उससे डिमांड काफी कम है, तो अब हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कीजिएगा। तो कभी भी जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं, चाहे डेफिसिट डिमांड की लिखें चाहे एक्सेस डिमांड की लिखें, तो उसके अंदर आपको ये मेंशन करना जरूरी है दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि सप्लाई जब हम दे रहे हैं ना तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही दे रहे हैं, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं? वो डिमांड के अंदर हो रहे हैं, ठीक है? तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसके ग्राफ की तरफ जरा आप नजर मारिए, तो यहाँ पे एक्सेस थोड़े से यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। ये होता है आपका एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस, और ये होता है आपका एक्स एक्सेस। ये आपका ओरिजिन है। ये क्या है बच्चों आपकी? ये है आपकी ए एस इज इक्वल्स टू वाई, राइट? ये है आपका ए डी। अब एडी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड दो तरीके का यहाँ पे अपन रिज्यूम करके चल रहे हैं। एक होगा आपका एट फुल एम्प्लॉयमेंट और एक होता है प्लान्ड, ठीक है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि एक्चुअल में है, लेकिन जब डिमांड कम हुई है, एक्चुअल मतलब जो प्लान्ड डिमांड है वो है कम, तो यहाँ पे जो दूसरा एग्रीगेट डिमांड बन रहा है ना यहाँ पे बच्चों, तो वो है आपका प्लान्ड, ठीक है? वापस से समझिएगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आपको दो शो हो रहे हैं। एक जो ऊपर वाला है वो है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है? जो कि जहां पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर रहा है। अब क्योंकि ये डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो डिमांड यहाँ पे कम है, तो प्लान्ड जो है वो कम है। इसको मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देती हूँ। सो यहाँ पे सपोज करो कि
सप्लाई जो है एग्रीगेट सप्लाई हुई है 100 units की, ठीक है, कितनी यूनिट्स की, 100 units की, ठीक है। माना तो यही गया था कि डिमांड भी कितनी होनी चाहिए, 100 units की ही होनी चाहिए, राइट। ये है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज के अकॉर्डिंग तो भाई आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये है आपका ए एस इज इक्वल्स टू वाई, ये है आपका ए डी, ठीक है। ए डी के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं बच्चों आपके, सो कंजम्पशन, प्रोड्यूसर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों मिलकर आपका ए डी बन जाते हैं। अब ये है आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये 100, यहाँ पे ये 100, मतलब जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तो हो गया आपका एट फुल एम्प्लॉयमेंट, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन पढ़ रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या है कि जो एक्चुअल डिमांड है वो 100 units की है ही नहीं, वो सपोज कर लो वो है 60 units की। तो सप्लाई है 100 units की और जो एग्रीगेट डिमांड है, जो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड है, वो है 60 units की। तो ये 100 तो होगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये ए डी डैश कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, डेफिसिट डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, ये है आपका किस पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे सोचा यही गया था कि भाई जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड होगी, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी होगी, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई है, 60। तो ये वाला जो, ये जो डिमांड है ना यहाँ पे 60 की, ये है आपकी प्लान्ड, ठीक है, कौन सी है, प्लान्ड कह लो या एक्चुअल कह लो। तो ये जो गैप होता है इसी को अपन डेफिसिट डिमांड कहते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डेफिसिट डिमांड इज द स्टेट इन विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पे आप देख लीजिए इस गैप, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये आपका डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशनरी गैप भी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है आपका एडी सी प्लस आई, एडी वन सी प्लस आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको इस डायग्राम को समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डेफिसिट डिमांड के बारे में और यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। सो अ पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके की, ये क्या बताती है, ये इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है इसको बताती है। विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि किसका कंजम्पशन होता है, मतलब जो कि किसका कॉम्पोनेंट, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। 45 degree पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन ए एस, अब ये जो 45 degree पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन होती है, ये क्या होती है बच्चों, आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो ये इसके अंदर क्या है, कंजम्पशन एंड सेविंग, जो कि हमारी इनकम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ए एस इज इक्वल्स टू वाई भी हम बोलते हैं। नाउ पॉइंट ऑफ ई कंसिडर्ड एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज एट द पॉइंट, एट दिस पॉइंट, यानी कि ई वाले पॉइंट पे एडी किसके बराबर है, ए एस के बराबर है। ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जो आपका एडी कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है और एडी से एडी वन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन जो आई है वो क्यों आई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई है, ठीक है, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कम है, तो इन्वेस्टमेंट में कमी होने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई है, राइट। सो ईजी इंडिकेट्स द डिफ्लेशनरी गैप, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये सारा आपका इस ग्राफ को देख के है, तो ये ईजी है, ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है, ई पॉइंट पे आपका इन दोनों का बीच का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एडी वन ये आपका क्या है, ये आपका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो नया एडी है, ठीक है। F indicates the under employment equilibrium. अब F यहाँ पे F क्या शो कर रहा है, under employment equilibrium, ये वाला point. This is under employment, employment under employment, यानी कि resources अभी भी बहुत बाकी हैं इस point पे, क्योंकि 60 units demand हुई है, तो और हो कितनी सकती, potential कितना है 100 का, तो अभी भी employment हो सकता है यहाँ पे। So under employment equilibrium की situation है F वाली, clear? चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सो कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप,
अब देखो यहाँ पे अपन कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि डिमांड के अंदर जो ये कमी आ जाती है इसके पीछे के कारण क्या क्या है, ठीक है, व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड. सो इट अकर्स ड्यू टू फॉलिंग इन एडी. अब एग्रीगेट डिमांड कम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड गिरने लगता है, ठीक है, जो टोटल डिमांड है वो गिरने लगती है तब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, ठीक है. अब इसके अंदर अपन सारी चीजें कंसिडर करेंगे, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को भी अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे और ओपन इकोनॉमी को भी कंसिडर करेंगे. सो जब टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को अपन कंसिडर करते हैं तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर. हाउस होल्ड अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो किस पर्पज से कर रहा है, कंजम्पशन के पर्पज से. जो प्रोड्यूसर है अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो किस पर्पज से कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहा है. ये हो गया आपका टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट. अब अपन बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की. सो ओपन इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है और एक्स माइनस एम यानी कि जो दूसरे देश हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो गुड्स हैं जो उनको डिमांड कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो कुल मिलाकर के ये सारे कॉम्पोनेंट्स जब कम होने लगते हैं इकोनॉमी के अंदर, सो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है. तो यही सारी चीजें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं. सो फॉल इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, इसको अपन ने यहाँ पे एड्रेस किया है, ड्यू टू फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब लोग अपने कंजम्पशन को कम क्यों करेंगे, आप इस चीज का जरा इस चीज को अच्छे से सोचिएगा कि लोग अपने कंजम्पशन को कम क्यों करेंगे. तो जनरली लोग अपने कंजम्पशन को कम इसलिए करेंगे क्योंकि वो सेविंग बढ़ा रहे हैं. तो जब वो प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ाते हैं तो वो कंजम्पशन कम कर देते हैं, और जब वो कंजम्पशन कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड होती है गुड्स की और सर्विसेज की वो कम हो जाती है. सो कुल मिलाकर के इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है. फॉल इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है, ठीक है, तो तब भी एग्रीगेट डिमांड कम होने लगती है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो जब इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, प्रोड्यूसर्स जब इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, जो उनको रिटर्न्स वहां पे ज्यादा नहीं मिलते होते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है. एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने की वजह से इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इंक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यू टू डिक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी. और जब इंपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने की वजह से, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड डोमेस्टिक इकोनॉमी की कम हो जाती है. सो कुल मिलाकर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स अपन ने देखे हैं अभी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी या फिर ओपन इकोनॉमी के, जब ये सारे कॉम्पोनेंट्स डिमांड कम क्रिएट करने लगते हैं अपने अपने सेक्टर के अंदर, सो ओवरऑल इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, टोटल डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड पे, और वो डेफिसिट हो जाती है, वो कम हो जाती है. सो दीज ऑल वर द कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड. अब अपन एक्सेस डिमांड के बारे में अपन बात करने वाले हैं. तो एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना. तो यहाँ पे जिस चीज पे अपन फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हमारी सप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी डिमांड के. लेकिन अगर हमारी डिमांड ज्यादा है हमारी सप्लाई से, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सेस डिमांड. ठीक है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से. हमारी इकोनॉमी सभी रिसोर्सेस को, एग्जाम्पल के थ्रू लीजिएगा, हमारी इकोनॉमी सभी रिसोर्सेस को यूज करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई कर सकती है, सपोज 100 यूनिट्स का. ठीक है, 100 यूनिट्स का. लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड क्रिएट हुई है वो हो गई सपोज 150 यूनिट्स की. तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये होती है आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन. ठीक है, और इसके अंदर आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इसको भी जरा आप देख लीजिए. सो दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस. ये हो गया आपका ए एस इज इक्वल्स टू वाई, ये हो गया आपका ए डी. ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वही सारे कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं इसके, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इसको मुझे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना चाहिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ठीक है, एस इज इक्वल्स टू वाई. ऑलराइट, इसको मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ. तो ये आपका ए डी है फर्स्ट वाला. ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है. ओके, और इस इक्विलिब्रियम पे ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका आउटपुट है. ठीक है, अब क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो ज्यादा है, या फिर इसको सिंपली आप ऐसे लेके देख लीजिए, ई पॉइंट पे ये दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ गई. तो जैसे ही इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ी है,
वैसे ही हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये एडी डैश। अब ये जो बीच का गैप है दिस इज व्हाट यू कॉल एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप इसे अपन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे कभी भी, इस पॉइंट पे कभी भी आउटपुट नहीं बढ़ता है, भले डिमांड बढ़ रही है लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे थे ना, जब हम पहले वाले इक्विलिब्रियम पे थे, तो यहाँ पे जितनी सप्लाई हम दे सकते थे, प्रोड्यूसर्स जितनी सप्लाई दे सकते थे एट फुल एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दे दी। अब उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब उनके पास में क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं है। समझिएगा इस चीज को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर आप इसको चाहे जितनी कोशिश कर ले आप इसको निकाल नहीं पाओगे दिमाग से, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप अच्छे से इसको सुने और समझें, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस पॉइंट पे जहां पे पहला वाला इक्विलिब्रियम था AS is equals to AD वाले पॉइंट पे जहां पे 100 और 100 की इक्वेशन है, तो यहां पे क्या था, जो सप्लाई यहाँ पे प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं उन्होंने अपने सभी रिसोर्सेज को यूज कर लिया, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी सभी रिसोर्सेज को यूज कर लिया, पोटेंशियली इनका 100 यूनिट्स बनाने का है तो उन्होंने बना दी और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी 100 की ही होगी, लेकिन इकोनॉमी के अंदर डिमांड हो रही है 150 की। अब क्या, अब बचे ही नहीं है रिसोर्सेज, तो क्या वो अपने आउटपुट को बढ़ा पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि रिसोर्सेस तो है ही नहीं। तो होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे लेबर है, लेबर को पहले बोलते थे, इस पॉइंट पे बोलते थे कि भाई तुम्हें एक घंटे में क्या करना है, 5 प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या कहेगा उस लेबर को, यार तुम्हें एक घंटे में 5 नहीं 10 प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। फिर वो लेबर क्या कहेगा कि मैं कर तो दूंगा लेकिन मैं सैलरी ज्यादा लूंगा, ठीक है, और मशीनों पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा ज्यादा। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, और इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। फिर धीरे 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 करके होगा क्या कि डिमांड कम होगी, लोग कम खरीदने लगे, डिमांड कम होगी और वो सप्लाई के बराबर आ जाएगी। But that is something different. ये बहुत दूर की हमने बात कर ली, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ना इस पॉइंट पे जैसे हम ये कर लें कि हाँ ये नया इक्विलिब्रियम है तो इस पॉइंट पे आउटपुट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि रिसोर्सेज तो हमने सारे यूज कर लिए। अब जब सारे रिसोर्सेज हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो फिर किस तरीके से हम यहाँ पे आउटपुट को बढ़ाएंगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्राइसेस को बढ़ा देंगे जैसे कि लोग कम डिमांड क्रिएट करेंगे और फिर सप्लाई के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना कि एक्सेस डिमांड के अंदर आउटपुट नहीं ही बढ़ सकता है, क्योंकि जहां पे इक्विलिब्रियम पे था वहां पे वो ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को यूज कर चुके हैं, ओके। सो ये एक्सेस डिमांड इज द स्टेट इन विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। वापस यही बात बोलूंगी कि इसके बिना आपकी डेफिनेशन बिल्कुल अधूरी रहेगी, नंबर नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर ये चीज आप अपनी डेफिनेशन के अंदर एड ऑन करें, ठीक है। अब ये रहा आपका इसका ग्राफ। सो ये रहा आपका एडी, और ये जो ऊपर वाला एडी है ये आपका नया वाला एग्रीगेट डिमांड है, राइट। ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शो कर दिया है कि यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया है लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्लियर। इसको जरा अपन देखते हैं। सो पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती है वो क्या दिखाती है, वो एग्रीगेट डिमांड को शो करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे और देखते हैं, द 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन इज द AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, जो कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हो रही है वो उसको शो करती है, ठीक है, जो कि किसका सम होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग, या फिर आप इसको इनकम भी कह सकते हैं। जो ई पॉइंट है वो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर AD इज इक्वल्स टू AS शो कर रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, सो AD टू AD1 हो गया है वो। EF जो है वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप को शो कर रहा था यहाँ पे,
ठीक है, अब इसके कुछ कॉजेज हैं। डिमांड क्यों बढ़ गई, डिमांड जो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एकदम से बढ़ गई वो क्यों बढ़ गई, इसको जरा अपन देखते हैं। तो वापस से यही सारे जो भी कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे ना, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें या फिर जो ओपन इकोनॉमी उसके बारे में बात करें, तो जितने भी कॉम्पोनेंट सभी के हैं, जब ये सारे अपने डिमांड बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी में अपने आप एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगी। सो इट फोकस इट अकर्स ड्यू टू राइज इन एडी, राइजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाता है ड्यू टू राइजिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, जब जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हम सेव कम करेंगे, हम कंजम्पशन पे ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इस पॉइंट पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और राइज इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जब प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि उनको रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, फॉलिंग द इंपोर्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो मुझे लगता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ पॉलिसीज की, कि किस तरीके से जो ये अनबैलेंस्ड सिचुएशन हो जाती है इकोनॉमी में, इसको किस तरीके से वापस बैलेंस किया जाता है। तो दो तरीके की पॉलिसीज बनती है, एक बनती है मॉनिटरी पॉलिसी और एक बनती है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है ये बनाते हैं आरबीआई, जो फिस्कल पॉलिसी बनती है ये बनाती है हमारी गवर्नमेंट। इसको अपन एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है, आरबीआई यहाँ पे लेके आती है। सो द पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब यहाँ पे ये जो पॉलिसीज होती हैं ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू कंट्रोल एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, या फिर अवेलेबिलिटी मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए होती है। अब ये जो दोनों चीजें होती है वो क्यों होती है, ताकि एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है वो ठीक हो पाए, राइट? Along with the achievement of predetermined purposes of social and economic development, और साथ ही में social और economic development भी हो हमारी economy का। चलिए तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। सो रेपो रेट इट इज द रेट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। अब रेपो रेट वो रेट होती है जिसके अंदर जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो जिस रेट पे देती है दैट इज व्हाट यू कॉल रेपो रेट, ठीक है? सो इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और बदले में क्या लेती है, जैसे आज आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट पे दिया होगा और बदले में कमर्शियल बैंक से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी होगी। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जब डिमांड ज्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट। तो आरबीआई क्या करती है, इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, समझिएगा इस बात को, ताकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी उनकी कम हो जाए, राइट? तो जब आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है तो कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक कम से कम आरबीआई से लोन ले पाएगी, ठीक है? अब क्योंकि रेपो रेट अब ज्यादा है, तो जब रेपो रेट ज्यादा है कमर्शियल बैंक लोन कम लेगी तो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे एक्सेस डिमांड, जो डिमांड इतनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर, वो कम से कम धीरे धीरे सप्लाई के बराबर आ जाएगी, राइट? सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट विच मेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई टू कमर्शियल बैंक रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ठीक है? तो यहाँ पे लोन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड फोर्सेस कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बदले में कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा देंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन भी यहाँ पे कम होने लग जाएगा, राइट? लोन्स टू द पब्लिक विल बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। जो लोन्स पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जब पब्लिक को लगेगा कि भाई लोन एक्सपेंसिव है तो वो लोन लेंगे ही नहीं। जब वो लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट यानी कि जो करेंसी है वो कम होगी, और जब वो चीज कम होगी तो डिमांड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, ओके? लोन्स टू द पब्लिक विल बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड इट विल डिस्करेज द पब्लिक फ्रॉम टेकिंग लोन्स। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक विल फॉल। इस तरीके से क्या होगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाएगा और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? इसको जरा मैं आपको एक बार दोबारा से समझाती हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपो रेट ओवर हियर, है ना? रेपो रेट क्या होती है बच्चों, ये वो रेट होती है जिसके अंदर आरबीआई लोन देता है, ठीक है? आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है? ये वो रेट होती है, ठीक है? अब जब ये बढ़ जाएगी, ये रेपो रेट जब बढ़ जाएगी
तो जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन, उनके लिए लोन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? अब जब इनके लिए लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ये किसको देते हैं लोन? ये देते हैं पब्लिक को. तो जब इनके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए जब लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ये पब्लिक से भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज्यादा ही लेंगे, क्योंकि ये भी ज्यादा पे कर रहे हैं. तो जब ये पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो पब्लिक जो होगी वो क्या करेगी? पब्लिक जो होगी वो लोन नहीं लेगी, है ना? और जब वो पब्लिक लोन नहीं लेगी तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा, और इस तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड जो है, है ना, जो कि किसमें है, एक्सेस में है, वो सही हो जाएगी. क्लियर? तो यही इसका कॉन्सेप्ट था. चलिए, अब डेफिसिट डिमांड की अगर अपन बात करें तो आरबीआई क्या कर देगा? रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा. कमर्शियल बैंक लोन ले लेगी, ठीक है? और जब डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब पब्लिक को लोन मिलेगा, ठीक है, तो पब्लिक भी लोन लेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा से जाएगा, और जो डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है वो अब बढ़ के, मतलब वो डिमांड बढ़ते बढ़ते सप्लाई के बराबर आ जाएगी, ठीक है? सो इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड आरबीआई डिक्रीजेस द रेपो रेट, इट्स लोन फ्रॉम आरबीआई कमर्शियल बैंक रिलेटिवली चीपर. अब यहाँ पे जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा. कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देगी पब्लिक के लिए. तो जब लोन पब्लिक के लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा, ओके? और कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, वो सही हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो बात थी आपके रेपो रेट की. अपन बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेलिंग होती है और परचेजिंग होती है. किस चीज की? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की. करता कौन है? आरबीआई करता है ओपन मार्केट के अंदर. इसी को ही अपन ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं. तो सपोज करो कि मैं आरबीआई हूं और आप लोग जो हो वो हो आप पब्लिक, ठीक है? अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कुछ सिक्योरिटीज हैं. अब इस सिक्योरिटीज को मैं आपको बेच सकती हूँ और आपसे खरीद सकती हूँ. दो सिचुएशन हो सकती है. अब ये दोनों सिचुएशन हमें फिट करनी है एक्सेस डिमांड के अंदर और डेफिसिट डिमांड के अंदर. जब डिमांड की कमी होगी, ठीक है, तो जो आप लोगों के पास में सिक्योरिटी है वो मैं आपसे खरीदूंगी और आपको मैं क्या दूंगी, आपको मैं पैसे दूंगी, ठीक है? और उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, तो जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है ना वो करेक्ट हो पाएगी. फिर दूसरी चीज होती है जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर क्या है कि आप लोगों के पास में डिमांड ज्यादा, मतलब क्रिएट कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास में पैसा ज्यादा है, तो आपका पैसा मैं ले लूंगी. कैसे? आपको वो सिक्योरिटीज बेच के, ठीक है, मैं एब्जॉर्ब कर लूंगी. तो दो चीजें होती है, एक तरफ एब्जॉर्ब करती है आरबीआई करेंसी को और एक तरफ रिलीज करती है, ठीक है? इसको जरा समझिएगा आप अच्छे से, है ना? दो चीजें होती हैं, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और एक होता है रिलीज. ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज. अब इसे करता कौन है बच्चों? आरबीआई. ठीक है, एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा काफी ज्यादा है, यानी कि कौन सी, क्या कौन सी डिमांड है? एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है. तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो आई विल सेल द सिक्योरिटी एंड टेक द मनी, सो दैट और आप लोगों से पैसे लेकर के मैं क्या करूंगी, एब्जॉर्ब कर रही हूं, आप लोगों से मैं पैसा एब्जॉर्ब कर रही हूं. तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाली जो सिचुएशन है, इट विल बी करेक्टेड, ठीक है? अब रिलीज करने का मतलब क्या है, इसको जरा समझिएगा. रिलीज वाली जो सिचुएशन है ये हो देखने को मिलेगी आपकी डेफिसिट डिमांड के अंदर, जब डिमांड की कमी होगी. तो यहां पे क्या होगा, आई विल परचेज, और ये आई का मतलब आरबीआई है, ठीक है ना? आई विल परचेज द सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, टी आई ई एस, ठीक है ना? आई विल परचेज द सिक्योरिटीज एंड गिव यू द मनी, रिलीज करना, ठीक है? आपसे खरीदूंगी और आपको पैसे दूंगी. तो जो डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है इससे क्या होगा,
ये वाली जो सिचुएशन है इट विल बी करेक्टेड. क्लियर? मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया हो. तो आरबीआई क्या करती है, सेलिंग करती है और परचेजिंग करती है. सेल करती है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, परचेज करती है डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में. बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, राइट? सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर आरबीआई क्या कर रही है, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. देख लो, एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है ओपन मार्केट के अंदर, ठीक है. व्हेन कमर्शियल बैंक परचेज इट, इट विल लेड टू अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू आरबीआई. अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रही थी ना कि आप लोग उसको खरीदोगे, तो आप लोग का मतलब है पब्लिक, और पब्लिक से पब्लिक डायरेक्टली नहीं परचेज करती है. पब्लिक के लिए कौन पहले परचेज करता है, कमर्शियल बैंक परचेज करती है. तो आपसे पहले कमर्शियल बैंक होगी जो ये प्रोसीजर करती है, ठीक है ना. सो व्हेन कमर्शियल बैंक परचेजेस इट, जब कमर्शियल बैंक परचेज करती है आरबीआई से, इट विल लेड टू फ्लो ऑफ मनी. तो उससे मनी फ्लो होता है कमर्शियल बैंक टू आरबीआई, है ना. जब परचेज करेगी तो आरबीआई को ही पैसे देगी ना कमर्शियल बैंक. एंड द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल फॉल, और कम से कम वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी, तो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो सही हो जाएगी. एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक विल फॉल एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड, ठीक है. अब डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन के अंदर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने परचेज किया, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर. तो कमर्शियल बैंक से जब परचेज किया तो बदले में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को क्या दिया, मनी दिया, और उस मनी की मदद से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी और इकोनॉमी के अंदर जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी. सो इफ द कमर्शियल बैंक सेल्स इट टू द आरबीआई, इट विल लेड टू अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक एंड द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक विल rise, right? So, result, consumption expenditure and investment expenditure of the public will increase and the problem of deficit demand will going to be solved. This is not sufficient, this is deficit, okay? Deficit demand will going to be solved. Now, we'll be talking about LRR, percentage of LRR kya hota hai? So, it is the percentage of total deposit of commercial bank which is required to keep a reserve known as LRR. तो जो कमर्शियल बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट होता है उसको कुछ पोर्शन वो रखता है अपने अलग रख रख के, उसको ही एलआरआर कहते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर. इट इज दी सम ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है, समझिएगा. कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन वो बिल्कुल साइड में कर देता है, इसी को अपन एलआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों ही इसके पार्ट्स हैं. एक्सेस डिमांड के सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ एलआरआर. जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होगी, तो उस पॉइंट पे आरबीआई क्या करेगी, इस रेट को बढ़ा देगी, ताकि कमर्शियल बैंक अपने, अगर उसके पास में इतना डिपॉजिट है तो इस डिपॉजिट में का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन वो रख पाए एज एलआरआर, समझिएगा. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो ये आपका एल आर आर है, इसको आरबीआई क्या कर देती है, इसको बढ़ा देती है, ठीक है. इसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि टोटल डिपॉजिट, ठीक है, टोटल डिपॉजिट की अगर अपन बात करें, सो टोटल डिपॉजिट, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट है 100 रुपीज का, है ना. पहले 100 रुपीज में से ये सिर्फ 20 इधर रख देता था इन द फॉर्म ऑफ एल आर आर, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले. अब जैसे ही एल आर आर बढ़ा, तो ये टोटल डिपॉजिट में से अब क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को 20 की जगह ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एल आर आर बढ़ चुका है. तो हो सकता है 50 रुपीज यहाँ पे एज अ एल आर आर रखना पड़ जाए. तो अब इसके पास में सिर्फ कितना बचेगा, 50 रुपीज ही बचेगा. तो अब सिर्फ इस 50 रुपीज को कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर सर्क्यूलेट करेगा. तो अब कम से कम सर्क्यूलेशन हो पाएगा, तो जब कम से कम सर्क्यूलेशन हो पाएगा तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है. जस्ट इसका ऑपोजिट कर दीजिए, जब एल आर आर कम हो जाएगा तो अब ये 50 की जगह इसको कम करना पड़ेगा, हो सकता है इसके पास में सिर्फ 10 रखना पड़े, 10 रखने के सिर्फ 10 रखेगा, तो यहाँ पे अब इसके पास में ज्यादा से ज्यादा
पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक के पास में, तो जब कमर्शियल बैंक के पास में ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा और इकोनॉमी के अंदर जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ एलआरआर, नाउ कमर्शियल बैंक आर फोर्स टू कीप अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट एज अ रिजर्व। अब यहाँ पे जब LRR बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन एज LRR रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी होती है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल फॉल एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड। और इससे क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन में, आरबीआई डिक्रीज कर देती है LRR रेट को, कमर्शियल बैंक अब कम से कम अपने पास में रखता है एज अ LRR ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो बढ़ती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है जिससे कि जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाती है। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन देता है, गवर्नमेंट। ओके, सो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, देखो एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। अब जब गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है तो यहाँ पे उनके पास में दो क्या होते हैं, हथियार होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू। यही काम होता है गवर्नमेंट का, या खर्चा करना और रेवेन्यू जनरेट करना, मतलब इकट्ठा करना इनकम। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों की मदद से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट, अलॉन्ग विद द अचीवमेंट्स ऑफ प्री डिटरमाइंड पर्पसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी के साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी वो ध्यान रखती है, इसी को बजटरी पॉलिसी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट इनकर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पब्लिक एटसेट्रा। अब गवर्नमेंट बहुत जगहों पे खर्चा करती है, ठीक है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जैसे कि कुछ बनवा दिया, कोई ब्रिज बनवा दी, बिल्डिंग्स बनवा दी, ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू दी पब्लिक, पब्लिक को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के केस के अंदर क्या होता है, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर स्पेशली ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है स्पेशली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, विच विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पब्लिक एज वेल एज देयर परचेजिंग पावर। जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और जैसे ही उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और वो डिमांड कम क्रिएट कर पाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम कम होने का मतलब क्या है कि जैसे जो उनकी इनकम होती है उसमें से टैक्स निकलने के बाद में जो भी उनके जहां से भी इनकम कट होती है वो सब कटने के बाद में जो लास्ट में इनकम बचती है जिससे वो खर्चा करते हैं लोग, उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो जब ये डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम होगी पब्लिक की। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर विल फॉल एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाती है। डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होता है, ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का इसको इंक्रीज किया जाता है जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ जैसे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होती है ना लोगों की। एज अ रिजल्ट एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड विल बी सॉल्व। और जो डिमांड की कमी वाली जो प्रॉब्लम है, डेफिसिट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे टैक्सेशन की। तो टैक्स तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, जब टैक्स बढ़ा दिया जा मतलब एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्या होता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, और डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन में टैक्स को कम कर दिया जाता है। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि पब्लिक गवर्नमेंट को करती है विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू देम। जिसके मतलब यहाँ पे पब्लिक ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि उनको जिसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट हो, मतलब यहाँ पे पब्लिक टैक्स तो पे करी है गवर्नमेंट को लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है कि उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट यहां पे हो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ टैक्स। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में टैक्स रेट्स यहां पे बढ़ जाती हैं, ठीक है, और नए लॉज बन जाते हैं स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस। इट विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम। अगेन जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो भी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल फॉल एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल गोइंग टू बी सॉल्व।
ठीक है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास में बढ़ जाती है और साथ ही साथ परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, जो डेफिसिट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो कि नहीं समझ में आई है इस चैप्टर की, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।